अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कीमा स्पैगेटी की बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल के। फ्लेम कर लेंगे हम मीडियम टू लो और इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज अनियन जो बारीक कटा हुआ है, वो इसमें ऐड करके हम इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। इसको हमने ब्राउन कलर में नहीं करना, बस लाइट पिंक ही रखेंगे। अनियन को सौते करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ है इस तरह से, और इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज टमाटोज़ की प्यूरी या फिर पेस्ट बना के इसमें डाल लेंगे, और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हम इसमें ऐड कर देंगे 350 ग्राम्स कीमा। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं। कीमा ऐड करने के बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें फिर डालेंगे स्पाइसेस, जिसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट है और 1/2 टीस्पून वाइट पेपर है। इन तमाम स्पाइसेस को हम कीमे में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए हम पका लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो कीमा है उसका कलर चेंज हो जाए। अब कीमा जो है पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के जितना पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको लिड से कवर करके रख देंगे 30 मिनट्स के लिए ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। आफ्टर 30 मिनट्स जब हम लिड रिमूव करेंगे तो जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका होगा। जो एक्स्ट्रा पानी रह गया है वो हम थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके तो इसको ड्राई कर लेंगे। इस तरह से हम चम्मच चलाते हुए इसका पानी ड्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बेल पेपर। ये लार्ज साइज़ की बेल पेपर है, इसको बारीक बारीक इस तरह से कट करके और डाल लेंगे। आप चाहे तो आप क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं या फिर इस तरह लंबाई में भी कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून विनेगर। देन इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस। एंड देन इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून चिली सॉस। इन तमाम सॉसेस से इसकी स्पैगेटी का टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 चम्मच केचप के भी इसमें ऐड कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके तो हम रख देंगे लिड से कवर करके 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो हमने कैप्सिकम डाली है वो अच्छे से गल जाए। 10 मिनट के बाद हम इस लिड को रिमूव कर देंगे तो जो हमारा कीमा है और जो शिमला मिर्च है वो भी काफ़ी हद तक गल चुकी है और कीमा हमारा चटपटा सा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है स्पैगेटीज के लिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है इस टाइम पे और बहुत ही डिलीशियस लग रहा होता है। टाइम है इसमें स्पैगेटीज ऐड करने का। इधर मैंने 1 पैकेट ले लिया है स्पैगेटीज का, इसको बॉयल करके और साइड पे रख लिया था, और अब हम इसमें स्पैगेटीज ऐड कर देंगे। स्पैगेटीज ऐड करने के बाद या तो स्पैचुला से या फिर किसी भी स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो कीमा और स्पैगेटीज हैं वो अच्छे से आप इसमें मिक्स हो जाएं। जो मैंने स्पाइसेस आपको बताए हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कम भी लगे ना तो आप एंड पे इस टाइम पे ब्लैक पेपर भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की थी और इसको देन हम स्पून्स की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी सी डिलीशियस सी माउथ वाटरिंग सी स्पैगेटी कीमा रेडी हो चुकी है। तो अब टाइम है इसको डिश आउट करने का। एक प्यारा सा और ख़ूबसूरत सा बाउल ले लेंगे और इसमें आहिस्ता से कीमा स्पैगेटीज रखते जाएंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।
रिसर्व करने के बाद आप इसको अपनी मर्ज़ी से किसी भी वेजिटेबल के साथ या किसी भी तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने इधर थोड़ी सी कैप्सिकम रख ली थी और थोड़े से कैरेट के पीसेस रख लिए थे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अदर रेसिपी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।